हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। कल पानी रात में खूब गिरा था, तो यहाँ पर अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। मैं जा रही हूँ अभी रनिंग के लिए। मैं इसमें हाँ आई तो आंटी इवत चित्रा वड़े ಚಿತ್ರಾನ ಒಡೆ ಸರಿ ಯೆ ದೇಖೋ ಆಮ್ ಖೂಬ್ ಫರೆ ಹೇನ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಆಮ್ ಗಿರೆ ಭಿ ಹೇನ್ ಆಧೆ ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಆಮ್ ತೋ ಗಿರ್ ಹಿ ಜಾತೆ ಹೇನ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಹೋ ಕೆ ಕುಛ್ ಸಡ್ ಕುಛ್ ಮೇ ತೋ ಡಿಸೀಸ್ ಪಕಡಾ ಹುವಾ ಹೇ। ये कुछ आम गिरने वाले हैं, लगे हुए हैं जो खराब खराब से दिख रहे हैं। ये गिरेंगे जैसे इसमें, ये एक गिरेगा येलो येलो से हुआ है। ये है व्यू मॉर्निंग का हमारे हॉस्टल के आसपास, हमारे कैंपस का। ये नारियल का पेड़ लगा हुआ है, खूब सारा फरा हुआ है अंगूर की तरह। इस पेड़ में सारे में ही ऐसे ही फरा हुआ है। ये पेड़ पौधे 100 पीस पेड़ पौधे आजू बाजू लगे हैं रोड के दोनों साइड। ये पूरा है मैंगो गार्डन, उस साइड भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है। ये लगा, इस पेड़ में बहुत अच्छे फरे हैं एकदम हरे हरे कोकोनट। ये अभी पीने लायक है। ये है क्रॉप। क्रॉप में कल खूब पानी बरसा, क्रॉप में पानी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्रॉप में थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है फील्ड में। ये है इस साइड का नज़ारा। 2-3 लड़कियां सुबह सुबह से वॉकिंग, ये लोग भी फील्ड में करने आई हुई हैं, हालांकि मैं तो दौड़ने जा रही हूँ। इन लोग का फील्ड में एक्सरसाइज चालू है, देखो। रोड के दोनों तरफ हमारे ही कॉलेज का फील्ड है। ये है एक पेड़, पता नहीं किस चीज का है ये। और इधर जो रोड दिख रहा है, ये है गेट। इधर से इधर जो रोड दिख रहा है, इस पे मैं रनिंग करने जा रही हूँ। हमारे कॉलेज का फील्ड ही है। काफी अच्छी रोड है, कच्ची है बट अच्छी है। हॉस्टल के एक अंकल हैं, वो मिल्क लेके जा रहे हैं। वो हमारे हॉस्टल में काम करते हैं, तो वो मुझे पहचान रहे थे, इसलिए वो बोले मुझे कि आओ चाय पीते हैं। वो कनाडा में बोले बट मैं हिंदी में बता रही हूँ। ये अभी सारे खेत खाली हैं। कुछ दिन में धान लगेगी, कुछ दिन मतलब शायद जुलाई अगस्त में सीधे, अब जुलाई अगस्त वाला सीधे धान लगेगा। इस साइड 4-5 खेत खाली हैं और इसके अपोजिट साइड में भी 2-3 फील्ड खाली हैं, 2-3 खेत। ये इस साइड भी सेम खाली है, 2-3 फील्ड। पता नहीं, पूरा नहीं दिख रहा है। ये हाय गाइस, अभी मैं रनिंग कर ली हूँ, थोड़ा थक भी गई हूँ और मेरे पसीना पसीना हो गया। ये है ढेंचा का फील्ड। इसके पहले ढेंचा था लेकिन अभी फ्लोइंग कर दिए थे कुछ दिन पहले, तो अभी नहीं है। पहले इसके पहले ये ढेंचा का ही था। अभी एक पेड़ वो जिंदा भी है, थोड़ा थोड़ा दिखता होगा। कल पानी बहुत गिरा था तो पूरा फ्लड फ्लड हो गया है, गीला गीला है खेत।
अभी मैं वापस हॉस्टल के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं मेरा रनिंग हो गया। अभी साइकिल से आ रहा है ये आदमी, डेली ही यहाँ साइकिल से आते जाते हैं। कुछ ये फील्ड खाली पड़े हुए हैं, पानी फुल भरा है। पहले पैडी लगी थी, पैडी को हार्वेस्ट करके फिर फ्लोइंग करके ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर अब पैडी लगेगी अगस्त सितंबर तक। यहाँ साल में दो बार धान ही धान उगाते हैं, गेहूं के बदले भी धान उगा देते हैं। इस फील्ड में तो कुछ ज़्यादा ही पानी भरा है। पहले इसमें पैडी का सीडलिंग ग्रो किया गया था, फिर तब से अभी तक ऐसे ही खाली। इसमें तो कुछ ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है। ये है अभी का फुल व्यू हमारे फील्ड का, जहाँ मैं आई हुई हूँ। आसमान भी पूरा नीला नीला हुआ है, मस्त है। ये है कंपोस्ट फील्ड में डालेंगे। काफ़ी दिन पहले ही मंगवा के यहाँ रखे हैं, पता नहीं कब डालेंगे। हमारा कॉलेज का मेन गेट इधर से बस व्हीकल सारे कुछ जाता है। ये है ये रोड है, ये उस साइड का फील्ड है, और वो उधर मेन रोड है। वहाँ ग्रॉसरी और बेसिक मटेरियल मिलते हैं, मेडिकल शॉप है, बेसिक चीज़ उधर मिलती हैं उस साइड थोड़ा दूर जाने पे। ये हमारा कॉलेज का मेन गेट, ये है कॉलेज का मेन गेट। इधर से बस व्हीकल सारे लोग आना जाना था। ये पता नहीं किसकी मूर्ति है, शायद जो यहाँ कॉलेज वगैरह स्थापित किया होगा उसी की होगी। वो हमारा कॉलेज का व्यू दिख रहा है, किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी वीडियो बना के। अभी मैं वापस रूम पे आ गई हूँ। लाइट रात में नहीं थी इसलिए मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। मैं चल रही हूँ पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करने। मेरा खुला हुआ है ये, अलमीरा, ये कपड़े मेरे बाहर आने जाने के इस साइड। ये है मेरा नाश्ता। यहाँ पर ज़्यादा राइस आइटम ही देते हैं, क्योंकि यहाँ चावल ही चावल ग्रो करते हैं। इसके साथ चित्राना वड़े भी रहता है, ये है चित्राना, लेकिन आज नहीं, अभी वो लोग तैयार कर रहे हैं अब, इसलिए मैं लेकर आ गई। अभी जाके लूँगी फिर खाऊँगी। ये है हमारा ओल्ड हॉस्टल। मैं ओल्ड हॉस्टल में ही हूँ, ओल्ड हॉस्टल में ही मैस है। ये है हमारा वॉशिंग पॉइंट। मैं कल कपड़े धुली थी सुबह टाइम, तो भूल गई थी ले जाना। तो अभी शाम को रात में पानी गिरा, तो वही मैं देखने आई थी मेरा कपड़ा गिर तो नहीं गया, नहीं तो मिट्टी वगैरह लग गई दोबारा धोना पड़ता। तो वैसे तो नहीं गिरा है। ये पड़े हुए हैं मेरे कपड़े उस साइड। ये है वॉशिंग पॉइंट फुल।
कल रात में पानी गिरा तो इसलिए सारे कपड़े गिर गए, बहुत लोगों के कपड़े गिर गए जिनके कपड़ों में पिन वगैरह नहीं लगी थी खास तौर से।